एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। जैसा कि आप सबको पता है, फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म इस दिवाली के अगले दिन 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अमिताभ से लेकर आमिर, कैटरीना कैफ, फातिमा सना अलग ही किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो अन्य फिल्मों के ट्रेलर से काफ़ी बड़ा था। जी हाँ, इस फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट 30 सेकेंड का था। हाल ही में इस फिल्म की टिकट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, अभी तक फैंस इस फिल्म के लिए जितना एक्साइटेड थे, लेकिन अब शायद फिल्म देखने के लिए वे तड़प जाए। खबर आ रही है कि इस फिल्म की टिकट फिल्म संजू के मुकाबले महंगी होगी। आपको बता दें, मुंबई में संजू की टिकट 1600 रुपये की भी बिकी है, आम टिकट 600 रुपये की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म की टिकट संजू से 10% महंगी होगी। बता दें कि फिल्म की ऑनलाइन बुकिंग 3 नवंबर 2018 से शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया है। एक बात आपको और बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर देखकर फैंस की प्रतिक्रिया यह रही थी कि यह फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की कॉपी लग रही है। लेकिन अब तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि असल में फिल्म की कहानी क्या है। वहीं कैटरीना का इस फिल्म में 15 से 20 मिनट तक का ही रोल है। यदि आप भी जानना चाहते हैं बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के बारे में, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।